इसराइल के हमले में एक पत्रकार की मौत हो गई जबकि कई लोग अब तक घायल हुए हैं। इसराइल पर इस हमले का आरोप लग रहा है जिसके बाद अब लेबनान में बहुत ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। देखिए, इसराइल के खिलाफ बेरूत में लगातार प्रदर्शन जारी है और इसी को देखते हुए अब हिजबुल्ला ने इसराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। सबसे पहले इसराइल का अड्डा नंबर एक शतुला इलाके में बने इस अड्डे पर हिजबुल्ला ने किया पहला हमला। हिजबुल्ला ने कॉर्नेट मिसाइल से अटैक किया जो सीधा जाकर इसराइल का एक टावर उड़ा देती है। हिजबुल्ला की ये रेंज देखकर इसराइल के कैंप में खलबली सी मच गई क्योंकि निशाना भी बिल्कुल सटीक लगा और टावर पूरी तरह से तबाह हो गया। इसके बाद टारगेट बना इसराइल का अड्डा नंबर दो, ये भी शतुला इलाके में है और यहाँ हिजबुल्ला ने किया दूसरा हमला। इस बार हिजबुल्ला ने BGM-71 टो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया। अमेरिका में बनी यह मिसाइल इतनी सटीक है कि इसने ठीक रेडार स्टेशन को तबाह किया। ऐसा निशाना देखकर कोई भी दुश्मन डर जाएगा। इसके बाद टारगेट बना इसराइल का अड्डा नंबर 3, ये भी शतुला इलाके के करीब है और यहाँ हिजबुल्ला ने किया तीसरा हमला। इस बार हिजबुल्ला ने कॉन्कोर्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायर की। रूस की ये वायर गाइडेड मिसाइल भी इसराइल के एक ठिकाने को खत्म कर देती है। इसके बाद चौथे और पांचवें अड्डे पर भी हिजबुल्ला अपनी बाकी मिसाइलों और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से हमला करता है और उनका भी वही हश्र होता है जो बाकी अड्डों का हुआ है। हिजबुल्ला का दावा है कि इन हमलों में इसराइल को भारी नुकसान हुआ है और उसके कई सैनिक भी मारे गए हैं। צה"ל הגיב בירי והשמיד עמדות חיזבאללה ואת מקור האש. כמו כן, בוצע ירי למוצב צבאי, אין נפגעים, גם שם צה"ל הגיב באש לעבר מקורות הירי. समझ लीजिए कि इस वक्त इसराइल और लेबनन के बॉर्डर पर आग लगी हुई है और ये सब कब युद्ध को 10 गुना भड़का सकते हैं, इसके बारे में दुनिया में सिर्फ 4 लोग जानते हैं। पहले हैं इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू, दूसरे हैं ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, तीसरे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चौथे हैं यूरोप से लेकर अमेरिका तक सबको हिला देने वाले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव ईरान है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्ला हिया ने कहा है कि अगर इसराइल ने गाजा पर बमबारी नहीं रोकी तो हिजबुल्ला ने ऐसी तैयारी की हुई है कि इसराइल में जलजला आ जाएगा। در اسرائیل علیه شهروندان و غیر نظامیان در غزه فوراً متوقف شود. ईरान के विदेश मंत्री ने 48 घंटे में वो कर दिखाया है जिसका तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक खौफ फैला हुआ है। इसराइल को लेकर ईरान की वॉर डिप्लोमेसी इस वक्त युद्ध के कई फ्रंट खोल चुकी है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की बातचीत के बाद 48 घंटे में ईरान के विदेश मंत्री ने इराक का दौरा किया, वहां के राष्ट्रपति से मिले। ईरान के विदेश मंत्री ने सीरिया जाकर वहां के राष्ट्रपति से मुलाकात की। हुसैन अमीर अब्दुल्ला हिया फिर लेबनन गए और हिजबुल्ला की लीडरशिप से मिले। इसके बाद वो कतर आए और वहां के विदेश मंत्री से मीटिंग करने के बाद हमास की लीडरशिप यानी इस्माइल हानिया से मुलाकात की। सवाल है कि क्या 48 घंटे के अंदर ईरान और इसराइल के बीच बड़े युद्ध की तैयारी हो चुकी है? इसराइल ने भी लेबनन बॉर्डर पर हमले का वीडियो जारी करके बताया है कि वो हिजबुल्ला को छोड़ेगा नहीं। लेकिन अपनी ताकत दिखाने के लिए हिजबुल्ला ने अपने वीडियो वायरल करने शुरू कर दिए हैं। हिजबुल्ला के इस वीडियो में बताया जा रहा है कि वो इसराइल पर हमले के लिए तैयार है। इस वीडियो में हिजबुल्ला का मैसेज साफ है कि उसका अटैक ऐसा होगा जो इसराइल रोक नहीं पाएगा। इस वीडियो में हिजबुल्ला का मिलिशिया कमांडो ऑपरेशन की तरफ इशारा कर रहा है। इस वीडियो में हिजबुल्ला बता रहा है कि उसके कमांडो मोटरसाइकिल पर आएंगे और इसराइल की सेना भागती हुई नजर आएगी। हिजबुल्ला ने बहुत साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि वो इसराइल पर हमला कर देगा।
अगर इसराइल की सेना फिलिस्तीन के गाजा में घुसी तो वो उत्तरी सीमा की तरफ से इसराइल पर चढ़ाई कर देगा। इसराइल और लेबनान के बीच करीब 130 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है और यहाँ संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना तैनात रही है। इसमें भारत की फौज भी शामिल है। इस वक्त इसराइल को गाजा से ज्यादा इस बॉर्डर की टेंशन है, क्योंकि अगर इसराइल गाजा में घुसा तो हिजबुल्ला उत्तर की तरफ से इसराइल पर हमला बोल देगा। Fired an anti-tank missile towards Israeli troops. There was a short battle, and the situation eventually calmed down. Afterwards, Hezbollah sent drones into Israel and also fired surface-to-air missiles against an Israeli aircraft. All of those two attempts were successfully intercepted by the IDF, but the situation on the northern border remains very tense, and we are monitoring the activities of Hezbollah very closely with additional enhanced capabilities in the north, prepared for any eventuality that may happen. दक्षिण लेबनान और उत्तरी इजराइल के बीच जो बॉर्डर है वहां तनाव बहुत ज्यादा है। यहां अफरा तफरी के बीच खामोशी है जो तूफान से पहले देखी जाती है, इसलिए यहाँ के लोगों को भी पता है कि बहुत जल्दी युद्ध का एपिसेंटर गाजा से निकलकर लेबनान तक पहुंच सकता है। यहाँ तैनात संयुक्त राष्ट्र की सेनाएं भी अलर्ट मोड पर हैं। लगातार पेट्रोलिंग हो रही है। इसराइल की सेना ने अपना गोला बारूद तैयार रखा हुआ है। तोपों से जो गोले फायर किए जाएंगे वो पहले से ही रेडी मोड पर रखे गए हैं। इसराइल की रिजर्व फोर्स भी आसपास के इलाकों में तैनात की जा रही है। ये हमवी गाड़ियां हैं जो लगातार यहां तक फौज पहुंचाने में लगी हुई हैं। 2006 के बाद इस बॉर्डर पर इससे ज्यादा तनाव नहीं देखा गया, और अब हिजबुल्ला की वार्निंग के बाद सबकी नजर ईरान पर भी है और उसके एक दोस्त सीरिया पर भी है। इसराइल के गोलान की पहाड़ियों पर भी टैंक पहुंचा दिए गए हैं। ये जगह सीरिया का हिस्सा था, लेकिन 1967 में युद्ध के बाद इसराइल ने सीरिया के इस हिस्से को अपने में मिला लिया, और तभी से यह इलाका इसराइल के कंट्रोल में है। देखा जाए तो इस वक्त पूरे पश्चिम एशिया में युद्ध की चिंगारी पहुंच चुकी है। इसराइल से लेकर गाजा और गाजा से निकली यह आग अब लेबनान पहुंच चुकी है। चिंगारी सीरिया और ईरान में भी नजर आ रही है। इसराइल और हमास के बीच घमासान लगातार जारी है, और अब इसराइल गाजा पर एक बड़ा जमीनी अटैक भी करने वाला है। दरअसल इसकी नौबत क्यों आई है, इसकी तस्वीर भी अब सामने आने लगी है। तस्वीर 7 अक्टूबर की, जिसमें गाजा से आए हमास के आतंकियों की क्रूरता साफ दिखाई दे रही है। तस्वीर हमास के आतंकी के बॉडी कैम से, यानी शरीर में लगाए गए कैमरे में रिकॉर्ड हुई, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है